दोस्तों अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स आम खा सकते हैं। दोस्तों आम के अंदर फ्रक्टोज नाम की एक शुगर होती है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके डायबिटीज़ के खतरे को और ज़्यादा बढ़ा सकती है, आपकी शुगर को स्पाइक कर सकती है। लेकिन आम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रक्टोज नहीं होती है, इसके साथ साथ बहुत सारा फाइबर और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि इस शुगर के खतरे को कम कर देते हैं। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप मॉडरेशन में आम को खा सकते हैं। एक टाइम में आपको शुरुआत में आधे आम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि आपकी ब्लड शुगर पर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कंट्रोल्ड में है, तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी एक दिन में एक आम से ज़्यादा आपको नहीं खाना है अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं। अगर आम खाने के बाद थोड़ा सा प्रोटीन आप ले लें, चाहे वो पनीर की शक्ल में हो, चाहे किसी और शक्ल में हो, चाहे अंडे की सफ़ेदी की शक्ल में हो या प्रोटीन शेक हो, तो इससे आपके अंदर शुगर बढ़ने का खतरा आम खाने के बाद और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो डायबिटिक पेशेंट्स आम खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन के साथ।